कैल्शियम की कमी क्या होती है भूल जाएंगे। रोज केवल एक चम्मच आप दही या दूध के साथ लें। जोड़ों का दर्द, कमजोरी, थकान, बदन दर्द या शरीर में किसी भी तरह का हड्डियों का दर्द है दोस्तों, वह बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो कैल्शियम का सबसे बड़ा जो स्रोत है दोस्तों, आज जो मैंने यहाँ इंग्रेडिएंट लिया है वह है रागी। रागी जिसे कि नाचनी भी कहा जाता है, रागी का आटा भी आता है दोस्तों, और इस तरह से रागी के दाने भी आते हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। रागी के आटे से आप रागी मेल्ट बना सकते हैं, आप रागी के आटे की चपातियां भी बना सकते हैं, और ये जो रागी के दाने दिख रहे हैं दोस्तों, इससे आप दलिया बना सकते हैं, आप इससे खिचड़ी बना सकते हैं। तो बस कैल्शियम को दूर करने का ही आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ दोस्तों। लंबे समय तक कैल्शियम की कमी को नज़रअंदाज ना करें। ये देखिए दोस्तों, नाचनी लिखा ना इसमें, ये आपको दिख रहा होगा इस पैकेट में, मैंने आपके लिए ये पैकेट रखा है ताकि आप देखें। और इस तरह से रागी का आटा, ये देखिए मैं उंगली रख के दिखा रही हूँ, ये है रागी का आटा, भी मार्केट में मिलता है, हर किराना दुकान में, ग्रोसरी शॉप में आपको रागी का आटा मिल जाएगा या रागी के जो दाने हैं ये आपको मिल जाएंगे। तो आप कुछ भी ले लें, आप रागी के दाने लाकर उसे पीस कर आटा भी बना सकते हैं या पिसा पिसाया हुआ आप आटा भी ले सकते हैं। तो भरपूर मात्रा में इसमें कैल्शियम होता है दोस्तों, इंग्लिश में इसे फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। तो दूध के साथ खाएँ, दही के साथ खाएँ, आप खुद देखेंगे दोस्तों तेज़ी से आपके कैल्शियम के स्तर में सुधार होगा, शरीर मजबूत बनेगा, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम होता है वो बाकी चीज़ों में पाए जाने वाले कैल्शियम से 4 से 5 गुना इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। खासकर जिन लोगों को दोस्तों हड्डियों के दर्द की समस्या है, या फिर जिनके बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, दांतों से संबंधित कोई परेशानी है, तो उन लोगों को तो ये ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इससे कैल्शियम का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो रागी जिसे नाचनी फिंगर मिलेट भी कहा जाता है, गुणों का भंडार है, और इसे अपने खाने में, नाश्ते में किसी ना किसी रूप में ज़रूर शामिल करें। बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है दोस्तों, और इसमें ये जो आटा होता है दोस्तों, आप इसकी बढ़िया अच्छा थोड़ा गेहूं का आटा मिला सकते हैं और इसकी रोटी बना लें आप इसे, या फिर मेरे जैसे इस तरह से दूध में मिलाकर रागी मेल्ट बनाएं। तो दोस्तों यदि वज़न कम करना चाहते हैं तो मलाई बिल्कुल निकाल दें। आपने देखा मैंने इस दूध में से बिल्कुल मलाई को किनारे निकाल दिया है, क्योंकि वज़न हमें नहीं बढ़ाना है। परंतु जो लोग बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, वो चाहे तो फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर लेना है दोस्तों 1/2 ग्लास के करीब आपको दूध लेना है इस रागी मेल्ट को बनाने के लिए। 1 सप्ताह आप इसे लेकर देखें, आप खुद देखेंगे आपके शरीर में कैल्शियम का स्तर बिल्कुल सुधरने लगेगा। और कैल्शियम की कमी दोस्तों बच्चों को भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि कैल्शियम की कमी सिर्फ बड़ों को और बूढ़ों को होती है। और बच्चों को जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उनकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, और कैल्शियम की ज़्यादा कमी से दोस्तों हमारे बाल झड़ने लगते हैं, मसूड़े ख़राब होने लगते हैं, दांतों में दर्द, स्किन हमारी जो है वो ड्राई होने लगती है। बाज़ार में तो तरह तरह के कैल्शियम के सप्लीमेंट आते हैं, परंतु क्यों ना हम खाने पीने की चीज़ों से ही कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएँ। 1/2 ग्लास मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है, और सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इस रागी का जो आटा है, रागी का जो पाउडर देख रहे हैं आपको, 2 बड़े चम्मच आपको रागी का आटा लेना है। और सबसे पहले आप उसको साधारण पानी में, जो भी रूम टेम्परेचर का पानी है उसमें आप बहुत अच्छी तरह से उसे घोल लें, मिक्स कर लें, ताकि लम्स ना आने पाए। यदि आप इसे एकदम गर्म दूध में डालेंगे तो हो सकता है आपसे छोटी छोटी सी इससे गठाने पड़ जाएं। तो ये देखें, मैं केवल एक व्यक्ति के लिए आपको इसे बनाना बता रही हूँ। तो 1 व्यक्ति के लिए 2 बड़े चम्मच आपको रागी का आटा लेना है और 1/2 ग्लास पानी लेना है। 1/2 ग्लास पानी में आप इसे खूब अच्छे से पहले मिक्स करें, उसके बाद ही आप इसे गैस पर पकने रखें। तो गैस चालू कर दिया है और इसे पकने रख दिया है, मीडियम फ्लेम रखी दोस्तों। जैसे ही उबाल आएगा मैं स्लो फ्लेम कर दूँगी। तो ये देखिए गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है और खूब अच्छी तरह से पानी में रागी का जो आटा है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, कहीं भी गुठलियाँ नहीं पड़ी हैं, लम्स नहीं आए हैं। और जैसे ही इसमें उबाल आएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास के करीब दूध। आप यदि दूध कम पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप कम भी ले सकते हैं, या फिर आप दोनों आधा आधा क्वांटिटी में ले। 1/2 ग्लास मैंने दूध लिया है, 1/2 ग्लास मैंने पानी लिया है, और अब रागी मेल्ट हमारा बढ़िया अच्छा गाढ़ा होने लगा है। और अब इसमें मैं डालूँगी पूरा 1/2 ग्लास दूध,
और वज़न कम करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमेशा लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करें जिसमें मलाई कम हो, या फिर गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, गाय के दूध में भी मलाई कम होती है। परंतु गाय का दूध नहीं मिलता है तो बफेलो मिल्क ले सकते हैं, पैकेट वाला दूध भी ले सकते हैं। परंतु दोस्तों वज़न कम करना है तो उस दूध की मलाई को आप बिल्कुल हटा दें, लो फैट मिल्क लें। तो दूध डालने के बाद भी आप इसे बस 2-3 मिनट और पका लें, एक उबाल ले लें, और ये हमारा फिंगर मिलेट बनकर बिल्कुल तैयार है, रागी मेल्ट बनकर तैयार है। थोड़ा सा मीठा टेस्ट देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने ली है धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, हमारे हाथ पैर की जलन को कम करती है, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाती है। तो कभी भी दोस्तों मीठा करने के लिए शक्कर का इस्तेमाल ना करें, शक्कर हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, शक्कर बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, और मिश्री बहुत ही गुणकारी है। आयुर्वेद में भी मिश्री का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और मिश्री के सेवन से दोस्तों गले के दर्द से भी राहत मिलती है, और मिश्री लेने से हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है। जिन लोगों को एनीमिया की शिकायत है वो भी छोटा सा मिश्री का टुकड़ा ज़रूर लें। तो मिश्री को आप चाहें तो पाउडर बना कर डालें, कूट कर डालें, या दो छोटे छोटे से टुकड़े आप इस गर्म जो हम फिंगर मिलेट बना रहे हैं, रागी मेल्ट जो बना रहे हैं उसमें डालें। अपने आप ही गैस चालू है, ये मिश्री पिघल जाएगी। आप चाहें तो खलबत्ते में कूट कर डाल दें, पाउडर बनाकर डालें। तो ये हमारा रागी मेल्ट बनकर तैयार है, हड्डियों के दर्द से राहत देगा दोस्तों। आप एक सप्ताह इसे लेकर देखें, आपको खुद को इस चीज़ का एहसास होगा कि आपको हड्डियों के दर्द से बिल्कुल ही छुटकारा मिलेगा। चाहे गठिया जैसी बीमारी हो दोस्तों, या फिर बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, उस समय भी आप इसे ले सकते, बालों का झड़ना रुकेगा। यदि हम हेल्दी डाइट लेते हैं, कैल्शियम से भरपूर डाइट लेते हैं, तो इसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव असर हमारे बॉडी पर पड़ता है। हमारे शरीर के पोषक तत्वों की कमी जब पूरी होती है तो बहुत सी बीमारियां हमसे दूर हो जाती, चेहरे पर चमक आएगी, बाल हमारे जड़ से मजबूत होंगे, बाल समय से पहले हमारे सफ़ेद नहीं होंगे। तो कैल्शियम की कमी को ज़्यादा समय तक नज़रअंदाज ना करें। और ये रागी का आटा आपको किसी भी किराना दुकान में, ग्रॉसरी शॉप में मिल जाएगा, सुपरमार्केट में मिल जाएगा, और आप चाहें तो रागी का आटा लें, रागी के ग्रैन्यूल्स लें, और अपने शरीर से कैल्शियम की कमी को ज़रूर पूरी करें। बच्चों को ज़रूर दें, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं, या फिर आप खुद ऐसे ही खाएं, चम्मच से ले लेकर इसे खाएं, और हल्का गरम गरम ही खाएं, खाने में भी ये टेस्टी लगता है। और रागी का आटा बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, इतना है कि हम सभी अफोर्ड कर सकते हैं, बाज़ार से अलग से कैल्शियम की गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 बादाम लिए हैं दोस्तों, हमेशा पानी में भिगे हुए बादाम खाएं, और हमेशा बादाम का छिलका उतार कर खाएं, कभी भी छिलका वाला बादाम ना खाएं। इसके छिलके में टैनिन नामक तत्व होता है जो हमारे डाइजेशन को ख़राब करता है। तो छिलके उतार दिए हैं, रागी मेल्ट में आप चाहें तो 4 बादाम डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहें डालें तो और अच्छा रहेगा, और भी शरीर में ताकत आएगी, हड्डियों के दर्द से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दें, और साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बस थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम डाल दिए हैं दोस्तों, और बस इस तरह से आपको इसे लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और आपने इस रागी मेल्ट को लिया या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।